दिल्ली में नए साल की रात 20 साल की एक लड़की को कार के नीचे 13 किलोमीटर तक घसीटा गया। आरोपी कार के नीचे फंसी लड़की को सड़क दर सड़क, मोड़ दर मोड़ घसीटते रहे और नए साल पर जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस को भनक तक नहीं लग पाई। यही वजह है कि दिल्ली की मौत के बाद दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने थाने के बाहर जमकर आज प्रदर्शन किया और लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर पुलिस की गाड़ी पर जोर जोर से हाथ मारने लगे। हालांकि लोग थाने के अंदर तो नहीं गए, लेकिन थाने के गेट के बाहर भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। लोगों का आरोप है कि पुलिस मामले में ठीक से कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रदर्शन दिल्ली के एलजी के घर के बाहर भी हुआ। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एलजी हाउस के बाहर पहुंच गए। पुलिस ने पूरे एलजी हाउस को बैरिकेडिंग लगाकर घेर लिया, लेकिन प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे। इसके बाद पुलिस ने पानी की बौछारों से प्रदर्शनकारियों को पीछे ढकेला। मामला बढ़ता देख एलजी विनय सक्सेना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को तलब किया। पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने एलजी हाउस जाकर डिटेल रिपोर्ट दी। पुलिस का कहना है कि दिल्ली के कंझावला में कार सवार आरोपियों ने पहले स्कूटी पर सवार लड़की को टक्कर मारी, फिर कार के नीचे फंसी लड़की को 13 किलोमीटर तक घसीटते रहे, जिससे लड़की की मौत हो गई। घसीटे जाने की वजह से लड़की की पीठ और सिर की हड्डियां बुरी तरह से घिस गई, मांस निकल गया, दोनों पैर की हड्डियां भी टूट गई। लड़की कार की बाईं साइड फंसी हुई थी और कार लगातार चलती जा रही थी। मारुति बलेनो कार के नीचे साफ दिखाई दे रहा है कि लड़की घिसटती जा रही है। अब सीसीटीवी की दूसरी तस्वीर देखिए। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि कार यू टर्न ले रही है। इस वक्त कार की रफ्तार भी धीमी है और इस वक्त भी लड़की कार के नीचे फंसी घसीटती जा रही है। कार में सवार युवकों ने अब भी कार नहीं रोकी। यू टर्न लेते वक्त सीसीटीवी में वक्त हो रहा था रविवार रात 3:34। पुलिस ने इस मामले में कार में सवार सभी पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घरवालों के मुताबिक लड़की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती थी और नए साल के जश्न के इवेंट के बाद वो स्कूटी से घर लौट रही थी। वैसे दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये महज हादसा था, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि ये सिर्फ हादसा भर नहीं था, क्योंकि जब लड़की की लाश मिली तब उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। लेकिन दिल्ली पुलिस का दावा है कि घिसटने की वजह से लड़की के कपड़े फट गए थे और उसके साथ रेप की घटना नहीं हुई। काफी दूर तक उबड़ खाबड़ रास्ते पर ड्राइव करने की वजह से ये स्थिति बनी है, ना कि किसी सेक्सुअल असॉल्ट या मर्डर की वजह से। लड़की के परिवार वालों को पुलिस की थ्योरी पर भरोसा नहीं हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि या तो पुलिस की जांच में कमी है या फिर मामला कुछ और ही है। अरे एक्सीडेंट है, किस तरीके का एक्सीडेंट है? वो बिल्कुल बच्चे के तन पे कपड़े नहीं है। आप देख के आओ, कोई भी हॉस्पिटल में है, जहाँ भी है, मेरा बच्चा मेरे को अब सुनवाई में आ रही है कि उसके तन पे एक कपड़ा नहीं था। किस तरीके का एक्सीडेंट है कि एक भी कपड़े नहीं रहता एक्सीडेंट के दौरान। पुलिस ने अब आरोपियों के खिलाफ धाराएं बढ़ाकर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है, क्योंकि आरोपियों ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि उनको स्कूटी से एक्सीडेंट की जानकारी थी, लेकिन वो रुके नहीं और गाड़ी को लेकर भाग गए थे। इसीलिए पुलिस ने सभी पर आईपीसी की धारा 304 लगाई है। लेकिन आरोपियों के कबूलनामे पर भी सवाल उठ रहे हैं। सीसीटीवी का एक और वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर लग रहा है कि आरोपी कुछ छुपा रहे हैं और मामला कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि हादसे से करीब 1.5 घंटे पहले हादसे की जगह पर बलेनो कार मौजूद थी। सीसीटीवी की इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि रात के करीब 2 बज रहे हैं। एक्सीडेंट की जगह से करीब 100 मीटर की दूरी पर बलेनो कार काफी देर तक खड़ी रही। इसके बाद कार आगे बढ़ती है और डिपर मारती है। डिपर मारने के बाद कार आगे निकल जाती है। सवाल उठता है कि अगर हादसा 3 से 3:30 बजे के बीच हुआ तो रात 2 बजे हादसे की जगह से 100 मीटर आगे आरोपी कार में बैठे क्या कर रहे थे? डिपर मारकर वो किसे इशारा कर रहे थे? तो क्या हादसा रात 2 बजे के आसपास ही हो गया था? क्या गाड़ी में फंसी हुई लड़की से अनजान आरोपी इलाके में घूमते रहे, या फिर ये मात्र हादसा नहीं था?
बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत हत्या थी। पुलिस को एक्सीडेंट की पहली कॉल रात 3:24 पर मिली थी। दीपक नाम के शख्स ने पुलिस को कॉल किया, उनकी हादसे के रूट पर दुकान है और वो सुबह 3:15 दूध की डिलीवरी का इंतजार कर रहे थे। तभी उसने कार को महिला को घसीटते हुए देखा। दीपक कुछ दूर तक अपनी स्कूटी से बलेनो कार के पीछे भी गए। दीपक ने ही पुलिस को कॉल कर बताया कि उसने एक कार देखी जिससे एक लड़की की बॉडी बंधी हुई है जो नीचे लटक रही है। तो मैंने देखा आवाज आ रही है गाड़ी के आगे से, जैसे टायर फटने की होती है तब आवाज आती है, लेकिन वो सामने आने के बाद पता चला कि इसके नीचे तो डेड बॉडी फंसी हुई है। अच्छा। मैंने 3:20 पे इमरजेंसी नंबर डाल किया और बताया ऐसे ऐसे बात है मैम। हादसे का एक और चश्मदीद भी सामने आया। विकास फूड डिलीवरी का काम करता है, वो डिलीवरी देने जा रहा था। इसने भी लड़की को कार के नीचे फंसा देखा। उस चौकी को देखकर उन्होंने वापसी यू टर्न गाड़ी मोड़ी। जब गाड़ी उन्होंने मोड़ी तो गाड़ी की बहुत तेज आवाज आई थी, सिंगल रोड पे उन्होंने गाड़ी मोड़ी। तो जब मैंने मुड़ के देखा तो लड़के का सर लटक रहा था गाड़ी में से। उस टाइम मैं देख के थोड़ा डर गया, समझ में नहीं आया क्या हुआ ये। पुलिस ने 4:11 तक गाड़ी को ट्रेस कर लिया। 4:15 पर कंझावला में ही एक लड़की की बॉडी मिलने की खबर पुलिस को मिली। अब पुलिस के मुताबिक आरोपी हरियाणा के सोनीपत में मौजूद मूर्थल में खाना खाने गए थे, लेकिन ज्यादा भीड़ होने की वजह से वापस दिल्ली आ गए। इस दौरान आरोपियों ने गाड़ी में शराब भी पी, रास्ते भर वो शराब पीते रहे। आरोपी सिंधु बॉर्डर होते हुए वापस सुल्तानपुरी इलाके में आ गए थे और यहां सड़कों पर अपनी गाड़ी को घुमाने लगे। जांच में भी शराब पीने की पुष्टि हो गई है। आरोपियों के बयानों के आधार पर पुलिस सीसीटीवी की मैपिंग कर रही है। आरोपियों ने जो जो रूट बताए हैं उस रूट पर पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। अभी तक 400 सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई है। पुलिस ने लड़की का पोस्टमार्टम करने के लिए मेडिकल बोर्ड का भी गठन किया है। पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हमारी मल्टीपल टीम्स इसमें काम कर रही हैं और जो अभियुक्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से कोशिश करेगी। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक FSL को जांच के दौरान बलेनो कार के अंदर से खून का कोई निशान नहीं मिला है। सिर्फ कार के नीचे के हिस्से में खून के निशान मिले हैं जहां बॉडी फंसी हुई थी। जांच में गाड़ी के अंदर लड़की के बाल जैसा सबूत अब तक नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उन्हें 3 की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। और अब आपको बताते हैं सभी 5 आरोपियों की डिटेल्स क्या हैं, आखिर कौन है ये लोग। आरोपी नंबर 1 मनोज मित्तल, इसकी उम्र 27 साल है और सुल्तानपुरी में ही ये राशन डीलर का काम करता है। ये BJP का नेता भी बताया गया है। इलाके में इसके पोस्टर भी लगे हुए हैं जिसमें उसे मंगोलपुरी वार्ड नंबर 42 का सह संयोजक लिखा हुआ है। आरोपी नंबर 2 दीपक खन्ना, इसकी उम्र है 26 साल और ये ग्रामीण सेवा के ड्राइवर के तौर पर काम करता है। आरोपी नंबर 3 है अमित खन्ना, इसकी उम्र है 25 साल और ये SBI के क्रेडिट कार्ड सेवा में काम करता है। आरोपी नंबर 4 इस मामले में है कृष्णन, इसकी उम्र है 27 साल और ये स्पैनिश कल्चरल सेंटर में नौकरी करता है। आरोपी नंबर 5 है मिथुन, इसकी उम्र है 26 साल और ये कनॉट प्लेस में हेयर ड्रेसर का काम करता है।